बुरहानपुर जिले के लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत एक और घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें करीब 10 करोड़ के घोटाले का मामला सामने है, जिसमें तत्कालीन लेखापाल के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो बता दें कि बुरहानपुर जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग में करोड़ों के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसमें तत्कालीन लेखापाल नारायण के विरुद्ध पुलिस ने मामला दर्ज किए हैं। साथ ही पुलिस के जांच दल ने दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं और कार्यालय के एक कमरे को भी सील किया गया है, जहां कहा जा रहा है कि विभाग के और अधिकारियों पर भी FIR दर्ज हो सकती है। बताया जा रहा है कि विभाग ने आदिवासी छात्रों की छात्रवृत्ति की राशि निजी बैंक के खातों में डाली, वहीं हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिला प्रशासन FIR दर्ज करवाई। कलेक्टर ऑफिस से जो जांच प्रतिवेदन आया था उसके आधार पर 420 का एक मामला कायम किया है, लगभग 24-25 नवंबर के आसपास में, जिसके अंदर 10 करोड़ का घोटाला जो है वो बताया गया है। इसमें एक आरोपी नारायण पाटिल के खिलाफ में मुकदमा कायम किया है। उसमें अभी विभाग में जो भी उस खाते से संबंधित डॉक्यूमेंट्स है उसकी जब्ती की प्रक्रिया चल रही है। अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने कुछ लेजर्स, कैश बुक्स और ऑडिट रिपोर्ट्स जो है वो जब्ती करी है। आज भी हमारी टीम वहाँ पे जाकर उनके संबंधित जो भी दस्तावेज है उसको खंगाल रही है, और साथ ही साथ में जो नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक जिसके अंदर वो खाता खुला था तो वहाँ पे भी कुछ टीम गई है जब्ती।